सशङ्ख चक्रम सकरे च कुण्डलम सपीत वस्त्रम शरशेरुहे क्षणम सहार बक्षस्थलकौस्तु श्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। ओम श्री शालिग्राम श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमः। ध्यानार्थे पुष्पम समर्पयामि। आवाहनम वामहस्ते यक्षत गृहीत्वा ओम मगणानंद गणपति गुं हवामहे व्रियानंद्वा व्रियपति गुं हवामहे निधीनान्द्वा निधिपति गुं हवामहे वसु मम आहमजावनिकरपदमा त्वमजावनिकरपदमा अम्बि अम्बि किं बालिकेन मानयति कश्चन सहस्य शुभकः शुभद्रिकान् काम्बीरवासिनीं मा यहाँ छोड़ दीजिए सारा। एता वांश महिमा तो जायाश भूरुखः पादो शुभ्रमा भूतानि कृपा दशियामृतं दिवि अवाहनान्ति अक्षतकुसुमाणि समर्पयामि आसनान्ति अक्षतकुसुमाणि समर्पयामि प्राणप्रतिष्ठापनं कलश को स्वस्थ कर लीजिए। ओम मनो ज्योतिर्जुगदा मादसीय बृहस्पतिमन्दनवद्वरिणं नीनकोङ्गायमन्दधातो विषभीदेव सैहमादयन्तामोपरातिष्ठ प्राणप्रतिष्ठा सुवरदो भवत श्रीवरुणाद्यवाहित देवताभ्यो नमः। धनेन संसनाप्य फूल से थोड़ा सा यहाँ सुनेंगे फूल से हाथ लगाइए। एतानि पादयो पाद्यं समर्पयामि स्त्रियो वर्गं समर्पयामि गृहात्मीयं समर्पयामि गांगात्मीयं जलं समर्पयामि। ओं मातृ पादो भवदयति पुरुषः पादो गेहा भवगुणः ततो विद्वान् विग्राम सावजनः नरने अभि समर्चनं समर्पयामि समर्चनान्ति पञ्चामृत स्नानम्। स्नान का जो क्रम होता है हमारे भारतवर्ष में पूरे विश्व में कहा गया अतिथि देवो भव, अतिथि होता है देवता के समान होता है। लवण था भगवान नारायण के दर्शन कर देवाधिदेव का स्तुति करने लगे। नारद जी बोले हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले अनंत शक्ति संपन्न आदि मध्य और अंत से रहित निर्गुण और सकल कल्याणमय गुण गुण संपन्न था जंघात्मक निखिल सृष्टि पंचभूत कर्म था भक्तों का पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मन आपको नमस्कार। स्तुति सुनने पर भगवान विष्णु ने कहा नारद जी से हे महाभाग आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं और आपके मन में क्या चल रहा है सब कहिए मैं आपको बतलाऊंगा। नारद मुनि ने कहा भगवान मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों द्वारा भिन्न योनि उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेश दुखी हो रहे हैं। हे नाथ किस लघु उपाय से उनका कष्टों का निवारण हो सकेगा यदि आपकी इच्छा हो तो वह हम सब सुनना चाहते हैं उसे बतलाएं। श्री भगवान ने कहा हे वत्स संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से मैं दुर्लभ भगवान श्री सत्यनारायण का एक महान पुण्य व्रत है आपके स्नेह के कारण इस समय उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करने से मनुष्य सहयोगी शीघ्र ही सुख प्राप्त कर मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा प्रभु इस व्रत को करने का क्या फल है इसका विधान क्या है इस व्रत को किसने किया कैसे करना चाहिए सब मैं मुझसे विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री भगवान ने कहा यह श्री सत्यनारायण व्रत सुख दुख सुख आदि का शमन करने वाला धन धान्य की वृद्धि करने वाला सौभाग्य संतान देने वाला सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी दिन भक्ति श्रद्धा समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मण और बंधु बांधव के साथ धर्म तत्पर होकर सायंकालीन भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करें नैवेद्य रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ सवाय मात्र में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले का फल घी दूध गेहूं का चूर्ण ब्राह्मण को भोजन भी कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण कर अपने नित्य गीता आदि का आयोजन करते हुए अपने घर को जाना चाहिए। भगवान सत्यनारायण का स्मरण कर अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्यों की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है। विशेष रूप में कलयुग में प्रतिपय सबसे छोटा सा उपाय है। श्री स्कंद पुराण रेवाखंड श्री सत्यनारायण प्रथमोध्याय संपूर्ण प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। जो अब मैं पूर्व काल में जिनने श्री सत्यनारायण व्रत किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक हूँ। रमणीय काशी नामक नगर में अत्यंत निर्धन ब्राह्मण था भूख प्यास से व्याकुल वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान सुदुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण आदर पूर्वक पूछा है प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम पृथ्वी पर किस लिए भ्रमण करते हो हे द्विश्रेष्ठ या सम्मत से बतलाओ मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोले प्रभु मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता रहता हूँ यदि मेरी दरिद्रता दूर करने का आप कुछ उपाय जानते हो तो कृपया कर मुझसे बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण कहा हे ब्राह्मण देव सत्यनारायण भगवान विष्णु अभिष्ट फल देने वाले हैं हे विप्र तुम उनका उत्तम व्रत एवं पूजन करो जिसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। व्रत के विधान को भी ब्राह्मण से पूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण भी भगवान श्री सत्यनारायण वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा है उस व्रत को अच्छी प्रकार वैसे ही करूंगा जैसे उस ब्राह्मण को रात को नींद नहीं आई। प्रातः काल उठकर सत्यनारायण व्रत करूंगा ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ उस धन से उस बंधु बांधव साथ श्री सत्यनारायण का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान श्री सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया उसने दुर्लभ मोक्ष का अधिकारी बना।
हे विप्र, पृथ्वी पर जब कोई भी मनुष्य श्री सत्यनारायण व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त पाप दुख सुने। एक बार वह श्रेष्ठ अपने धन संपत्ति के अनुसार बंधु भाव तथा परिवार जनों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां आया, लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल हुआ उसे ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देख प्रणाम करके उसने बोला, प्रभु आप यह क्या कर रहे हैं, इसके कारण किस फल की प्राप्ति होती है, विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। विप्र ने कहा, यह सत्यनारायण व्रत है जो सभी मनोरथ प्रदान करने वाला, उसी के प्रभाव से मुझे यह सब महान धन आदि प्राप्त हुए हैं। जर्पी करता है प्रसाद ग्रहण करके वह नगर चला गया। सत्यनारायण के लिए मन में ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान श्री सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। इस प्रकार मन में चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर वह सुंदर नगर में गया जहाँ धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसने लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त किया। प्रसन्न हृदय होकर वह पके हुए केले का फल, शर्करा, घी, दूध, गेहूं, चूर्ण से मात्र में अपने घर लेकर गया था। पश्चात अपने बंधु बांधव साथ मिलाकर भगवान श्री सत्यनारायण का विधिवत पूजन किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र संपन्न हो गया। श्लोक में अनेक प्रकार के सुख को उपभोग अंत में सत्यपुर वैकुंठ को चला गया। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे द्वितीयोऽध्याय संपूर्ण प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अयोध्याय तीसरे अध्याय में सूत जी ने कहा, श्रेष्ठ मुनियों में पुनः आगे कथा कहूंगा, आप लोग सुने। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह जितेंद्र सत्यवादी अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन दिवाला जाता और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। कमल सुषमा सुमुख वाली धर्मपत्नी शील विनय एवं सौंदर्य आदि गुण समृद्ध पति प्राण थी। राजा एक दिन धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण व्रत कर रहे थे। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार के पुष्पक धन राशि संपन्न एक साधु वणिक वहां आया। भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित हुआ राजा के समीप गया और उस राजा को उस व्रत में दीक्षित देकर विनय पूर्वक पूछने लगा, साधु आप यह क्या कर रहे हैं, भक्त चित्त से यह क्या करें, यह सब मुझसे बतलाइए, सब मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोले, प्रभु हे साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति कामना से बंधु बांधव के साथ में अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर साधु ने आदर पूर्वक कहा, राजा इस विषय में मुझसे भी बतलाइए, विस्तार से बतलाइए, आपके कथनानुसार मैं इस व्रत एवं पूजन को अवश्य करूंगा, मुझे भी संति की प्राप्ति होगी। इससे अवश्य संति की प्राप्ति होगी, ऐसा विचार कर व्यापार से निवृत्त होकर आनंद पूर्वक ने घर गया। उसने अपनी भार्या से संतति प्रदान करने वाले इस सत्य व्रत को विस्तार पूर्वक बताया था, जब मुझे संतति की प्राप्ति होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार उस साध्वी ने अपने भार्या लीलावती से कहा। एक दिन लीलावती नाम किसी साध्वी भार्या पति के साथ आनंदित ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रवृत्त हुई। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह उसकी भार्या गर्भिणी हुई। दसवें महीने में उसने कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई और वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के दिन पर दिन भगवान श्री सत्यनारायण वह अंतर्ध्यान हुए। इसके अंतर प्रातःकाल राजा ने अपने सभासदों के साथ सभा के मध्य में बैठकर स्वप्न लोगों को बताया और कहा, दोनों बंदी बनी पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बात सुनकर वे राजपुरुष दोनों महाजनों ने बंधन मुक्त करके राजा के सामने लाकर विनय पूर्वक बोले, महाराज बेणी बंधन से मुक्त करके दोनों बनी पुत्र को लिया है। इसके बाद दोनों महाजन बने पुत्र श्रेष्ठ चंद्रपुत्र प्रणाम करके अपने पूर्व वृतांत स्मरण करते हुए भयभीत में हो गए और कुछ बोल न सके। राजा ने बने पुत्रों को देखकर आदर पूर्वक कहा, आप लोगों को प्रारब्ध यह महान दुख प्राप्त हुआ है, इस समय अब भय नहीं है। ऐसा कहकर उसकी बहनी खुलवाकर छोरबानी करवाया। राजा ने वस्त्र अलंकार देकर दोनों बड़े पुत्रों को संतुष्ट किया तथा सामने बुलाकर वाणिज्य द्वारा अत्यधिक आनंद किया। जो पहले धन लिया था उसे दुगना करके लौटा दिया। साधु आपके अपने घर को जाए, राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से अपने घर को चले जाएंगे। ऐसा कहकर उन दोनों वैष्णव बोले, प्रभु साधु बणिक मंगलाचरण करके ब्राह्मणों को धन जिज्ञासा हुई, साधु तुम्हारे नाम में क्या भरा है। तब धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने वेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, दंडी क्यों पूछे, आपको द्रव्य लेने की इच्छा है, हमारे नाम में लता और पत्ते भरे हुए हैं। ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर हमारी बात सच हो जाए, ऐसा कहकर दंडी सन्यासी का रूप धारण किए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र कश्मीर बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात उतराती हुई जल में ऊपर को उठी हुई नाव को देख कर वाणी साधु बणिक अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया। नाव में लता पत्ते और आदि को देख कर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर बणिक पुत्र चिंतित हो गया। तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा, आप शोक क्यों करते हैं, दंडी ने ही श्राप दिया, इस स्थिति में वे ही चाहे तो सब नौका में पुराण धन था उसके तांगे रक्षा करो। बणिक की भक्ति युक्त वाणी सुनकर जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान हरि ने उसे अभिष्ट वर प्रदान करके वही अंतर्ध्यान के बाद साधु अपनी नौका में चढ़कर और उसे धन धान से परिपूर्ण देखकर भगवान सदैव की कृपा से हमारा मन सफल हो गया। ऐसा कहकर सुजनों के साथ ने भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को यत्न पूर्वक संभाल उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। वणिक ने अपने दामाद से कहा, वह देखो मेरे रत्न पूरी नगरी दिखाई दे रही है। उसके बाद उसने अपने धर्म धन के अच्युत दूत को आगमन का समाचार देने के लिए नगर की ओर भेज दिया। उस दूत ने नगर में जाकर साधु की भार्या को देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम कही और कहा, अभिष्ट बात कही, सेठ जी अपने दामाद का बंधु बांधव के साथ बहुत सारे धन दान से
संपन्न होकर नगर के निकट पधारे हैं। शेष नायक की कृपा पूजा करके वह पुत्री ने कहा समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। कृष्णवर्ण देवताभ्यो नमः। श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमः। स्नान करने बच्चा करते हैं कचरा पोटा ना देते हैं। क्या हुआ? सब रिमाइंडर चल रहा है। वही क्रम है डिग्री रही। चलिए हमको जानकारी हम कैसे करते हैं, क्या करते हैं, और आज के समय में आज के दौरान समय समझाने का सबसे उत्तम तरीका है ये। हमको जिस भी तरह दिमाग में भर देना है ये होता है, वो बैठा रहेगा। जी जी पूछ दीजिए। ओम जय शिवाय। प्रीतिया का सुश्रीयान भूत जायमान हंधी राशा गद्यो साध्यो में सदी वयंत उपहित मां। सुना नहीं है? अरे चला दीजिए। हां थोड़ा सा ऐसे ही रख दीजिए। बात क्या करते हैं? कपड़े कहाँ हैं? नहीं लाए हैं। लाए हैं कपड़ा? नहीं, जो भी दिखा रहा वही सब है। पूजा करें थोड़ा सा वस्त्र लिखाना चाहिए। कहीं नहीं लिखा होता है कि कलावा हम तो बचना है, मजबूरी में चाहते हैं जी। मजबूरी में काम नहीं करना चाहिए। वस्त्रम ओम जिवा शुवाशा परिवीत यागा सुत्रियान भूत जायमान हतंधी राशा गद्यो साध्यो मन सदैव इंतह उपहित मां देव सखा कीर्तिश्च मलिनाशः प्रादुर्भूतो स्मराष्ट्रेष्मिन् कृतमर्ध्यं ददातु मे। वस्त्रम समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। श्रीकृष्णस्वर्णदेवताभ्यो नमः। श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमः। वस्त्रो वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रान्ते यज्ञोपवीतम्। वस्त्र का मतलब होता है पैंट अथवा धोती जी, ठीक है। उसके बाद आता है जनेऊ। ओम यज्ञोपवीतम् परमं पवित्रं प्रजापतिर्या सहजं पुरस्तात् आयुत् समुद्रं प्रथमं शुभ्रं यज्ञोपवीतम् परम सुतेजः। ओम मा ब्रह्म जिज्ञानम् छोड़ दीजिए। ओम ब्रह्मा जिज्ञानम प्रथमं पुरस्ताद् विषेमतः सुरुचो वेन आवह शब्दन्या उपमा अस्य अविष्ठाः शतश्च जो निमशतश्च दीवः। यज्ञवेतं प्रयामि यज्ञवेतान्ति आचमनीयं जलं समर्पयामि उपवस्त्रं। अब क्या करते हैं? शर्ट पहनते हैं जी। असौजो वसर्वनि नीलग्रीवो विलोहितः उदयिनं गोपा अदृशन् अदृशन्नुदहार्जः सदृशो मृडया तिनः वस्त्रं समर्पयामि तस्मात् स्वाजायन्त जि केचो भयरतः गावो हज निरे तस्मात् समाजाता अजावयः। उपवस्त्रं समर्पयामि वस्त्रान्ति आचमनीयं जलं समर्पयामि। क्या करते हैं? सजते समर्पते हैं जी। सजाते हैं इनको, तिलक लगाइए, फूल से लगाइए, फूल से। ओम माधवान गंधर्वा अगन स्वामी इंद्र स्वामी हरिवरी हिरवा मोखदेशो मोराज विद्वान दक्षमादम चियात। ओम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभाम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुर्कणे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपालचूर्णामणिं। ओं तिलकस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनं मापदा हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमः। तिलक लगाने के बाद ना अक्षत श्री यानी अक्षत लगाना चाहिए। विष्णु जी को नहीं चाहेंगे यहाँ पे, गणेश जी को चाहेंगे और ये चाहेंगे। ओम छन्नमी वदन्तया प्रिया अधोगतवस्तोगत स्वभानवो ब्राह्मणविष्टयामती जो जानवीन्द्रते हरिक्षतान् समर्पयामि पुष्पाणि पुष्पमाल्याम् ओम ओपदीः।
अमोघरी प्रतिमोधवांशुवरी प्रशोवरी श्वायुषयद्वरीर्वीरुदः पारैष्णवः माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृदानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् पुष्पाणि पुष्पमाल्यां च समर्पयामि सिन्दूरम् हो गया बोल दिए सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव बता दीजिए अगले वर्ष हम लोग फिर पुनः यहाँ बैठ कर मिठाई खाएंगे अब आप लोग ये जहाँ दिखे नहीं नहीं खींचने में वीडियो बनाता मैं अरे अरे हमारी आवाज तो हमें आवाज आ रही है ना ये पंडित जहाँ दिखे बेचारे को इसकी याददाश्त वापस दिलाएं याददाश्त वापस दिलाएं रुको मैं खींच नहीं है तो अगर कैमरा टर्न करना चाहते नहीं हो सकता कैसे टर्न करना है फ्रंट मान लो करना है ये नहीं जल में डुबो दिया इसके बाद गलावती कन्या अपने पति को न देख महान सुख सुदन को देख रही बगरी बड़ी नाव का अदरसदा कन्या को अत्यंत दुखी देख भयभीत मन में साधु बणिक ने सोचा यह क्या आश्चर्य हो गया ना प्रसन्न करने वाला भी चिंतित हो गया लल्लावती कन्या भी देखकर विलीन हो गई अतः अत्यंत दुख से विलाप करते हुए उनके पति ने इस प्रकार बोली अभी अभी नौका के साथ दमाद कैसे रचित हो गया न जाने किस देवता की पीछा से वह नौका हरण कर ली है अथवा श्री सत्यनारायण का महात्म कौन जान सकता है ऐसा कल्प असुजनों के साथ विलाप करने लगे और कन्या कलावती को गोद में लेकर रुदन करने लगी कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति की पादुका को लेकर अन्नपूर्णेशदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभी ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयं त्वदीयम् वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पय आवो भोगलगाओ मेरे प्रभु जी आवो भोगलगाओ मेरे प्रभु जी सब हम रिते हो जाए मेरे प्रभु जी सब हम रिते हो जाए मेरे प्रभु जी सब रिके भैर सुधाम के तंडुल सब रिके भैर सुधाम मैं वीडियो बना स्वाहा स्वाहा श्रीम श्रीम शनिश्चराय नमः स्वाहा स्वाहा
हवे नमः स्वाहा स्वाहा नमः स्वाहा नमः स्वाहा स्वाहा देवताभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा लोकपाल देवताभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा देवताभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा छत्रपाल देवताभ्यो नमः शेषफलावाप्तिर्भवेर्जन्मर्जन्मफलं समर्पयामि ताम्बूलम् ओम जगुरु खेड़ा विखा देवा जनमदन वद बसंतो सियाव सिद्धाजन ग्रीख मर्मह सर्धवि श्वतांबूलम समर्पयामि पुस्तक चाहिए। ओम हिरण्यगर्भ समवर्तता ग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आशीत सदाधार पृथ्वीं द्यामुदेमां कस्मै देवाय विखा विधेम। ओम क्रेतायाः पूजायाः साधुनिया दक्षिणां समर्पयामि प्रदक्षिणां। राइट हैंड नीचे लिखेंगे यानि कानि पापानि जन्मान्तर्गतानि तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणां प्रति प्रति। अस्ति अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा प्रार्थयेत्। प्रकृति से निवेदन करना चाहिए परमात्मा भक्ति श्रद्धा निष्ठा भक्ति विश्वास के साथ हमने आपका पूजन किया है, आप इसको ग्रहण करें यथा फल स्वरूप आशीर्वाद मुझे और मेरे परिवार को प्रदान करें, धर्म सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति हो और पुनः अगले वर्ष जब हम लोग सत्यनारायण की कथा कहें तो छोटा सा एक नन्हा सा बालक यहाँ हस्ताक्षरता मिले। ठीक है। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतिय ज्ञविभूश्रिताय गौरी श्रुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा शतां कुलजन प्रभुनेन प्रसन्नार्थ गणपत्यादि गणपत्यादि सहित सहित सत्यनारायण सत्यनारायण देवता देवता प्रियतां प्रियतां नमः नमः। प्रेमित बोलिए साची दरबार की जय। हरीश भगवान की जय। हे मैया की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। पार्वती पत जय नर हर महादेव। नारायण 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 अयोध्यानगरी श्री रामचंद्र अवतारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण समर्पयामि ताम्बूलम् प्रकट भये कलिकारण द्विज गोदर दियो स्वामी द्विज गोदर दियो Yeah।
त्रिपति हरि ओम जय लक्ष्मी वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तजनी स्वामी श्रद्धा तजनी सो फल भोग्यो प्रभु दे सो फल भोग्यो प्रभु दे फिर आस्तुति कीन्ही ओम जय लक्ष्मी भाव भक्ति के कारण छिन छिन कन्हयो स्वामी छिन छिन डिफरेंस दिख रहा है मामू लाइट सॉफ्टनेस है उसमें ये ओरिजिनल है सॉफ्टनेस है नहीं लो लाइट में भी बढ़ा देता हूँ देख लो सामने रखिए।